हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गई। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 240 रनों का लक्ष्य दिया था, पर भारतीय टीम 240 रन चेज नहीं कर पाई और 18 रनों से हार गई। इससे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बहुत झटका लगा है और फैंस भी शॉक में हैं। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा खेला। टीम इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज में 9 में से 7 मैच जीता, एक मैच हारा जो कि इंग्लैंड के खिलाफ था और एक मैच वॉश आउट हो गया था। इंडिया पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 टीम थी, पर दोस्तों नॉकआउट स्टेज में आते ही इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंडिया फाइनल तक नहीं पहुँच पाई, इसका मलाल इंडिया के फैंस और खिलाड़ियों को लगा रहेगा। दोस्तों, विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया दूसरी बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया पाकिस्तान से बुरी तरीके से हारी थी और अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड से हार के बाहर हो गई है। हालांकि धीरे धीरे विराट कोहली की कैप्टनसी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, न्यूजीलैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। पर दोस्तों, पता नहीं विराट कोहली के कैप्टनसी में इंडियन टीम को मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में क्या हो जाता है। विराट कोहली अपने कैप्टनसी करियर में अब तक एक भी मल्टी नेशन टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। बात चाहे आईपीएल की हो, चैंपियंस ट्रॉफी की हो या वर्ल्ड कप की हो, विराट कोहली की कैप्टनसी वाली टीम कभी भी मल्टी नेशन टूर्नामेंट नहीं जीत पाती है। विराट कोहली खुद एक बहुत शानदार बल्लेबाज है। मेरे हिसाब से वो इस समय दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज है और उनके टक्कर का दुनिया में कोई और बल्लेबाज नहीं है। पर दोस्तों, नॉकआउट स्टेज में आते ही किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में विराट कोहली की बैटिंग भी फेल हो जाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी विराट कोहली फेल रहे थे, वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में भी विराट कोहली फेल रहे थे और अब न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भी विराट कोहली मात्र एक रन पे आउट हो गए थे। इसके उलट रोहित शर्मा का मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रोहित शर्मा के पास आईपीएल की 3 ट्रॉफियां है। भारत निदाहस ट्रॉफी जीता जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, उसमें भी कप्तान रोहित शर्मा थे। भारत एशिया कप जीता जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, उसमें भी कप्तान भारत के विराट कोहली नहीं रोहित शर्मा थे। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा ने जब इंडिया की कैप्टनसी की तब टीम कुछ अलग है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के पास सेम टीम होती है, बस दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लक का फैक्टर है। शायद विराट कोहली का लक अभी ऐसा नहीं है कि वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीत पाए और रोहित शर्मा का लक ऐसा है कि वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीत रहे हैं। हालांकि विराट कोहली अभी भी इंडियन टीम के कैप्टन है और बने भी रहेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली का लक जल्दी चमके और विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स भी जीतना शुरू करे। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स पे लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।